हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम वापस कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एस कॉमा पी कॉमा आर आर दी सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी रिस्पेक्टिवली, देन वेरीफाई दैट एस बाय आर रेस टू एन इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। एस यानी क्या है? तो सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, पी यानी प्रोडक्ट और आर यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम एक अजम्पशन करेंगे, अज्यूम दैट एन टर्म्स आर, जो हमारे n टर्म्स हैं वो सब इक्वल है, यानी t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t3 इक्वल्स टू अप टू tn। हमारा t1 क्या रहता है? सिंस t1 इज नथिंग बट व्हाट, a, तो हमारे पास जो हमारे n टर्म्स हैं वो क्या है? a दैट इज n टाइम्स। देयरफॉर S, S यानी क्या है हमारा? सम ऑफ n टर्म्स, S इज इक्वल्स टू, तो अब यहां पे सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हमारे सब टर्म्स इक्वल है, यानी यहां पे हमारा जो रेशियो होगा R, उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी हमारा S सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? a इंटू एन। अब हमारा r हम कंसिडर करते हैं, तो r क्या है हमारा? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। अगर हमारा टर्म a है तो रेसिप्रोकल के लिए हमारा टर्म क्या हो जाएगा? 1 बाई a, यानी यहां पे हमारा r हमें मिलेगा, रेशियो तो वापस 1 ही रहेगा, यानी हमारा r है 1 बाय a इंटू n। जो हमें प्रूव करना है वो है ये, s बाय r रेस टू n इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो रेशियो है s बाय r का, सो यहां पे भी हम रेशियो ले लेते हैं, कंसीडर s by r which is equals to, s की वैल्यू क्या है? a into n upon 1 by a into n, n and gets cancel, ये a हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो a into a हो जाएगा, which is equals to a square, okay? Therefore s by a r is equals to a square. Left hand side raised to n hai, so taking power of n on both the side, taking power of n on both side, so hame kya milega? S by r raised to n is equals to a 2 raised to n, that is nothing but a raised to 2n, इसे हम दे देंगे equation 1। Next हमारा जो p है, so p क्या है हमारा? Product of n terms, p is nothing but product of n terms। Now product of n terms means p is equals to t1 into t2 into t3 up to tn, लेकिन सब इक्वल है, यानी a into a into a into a which is equals to a raised to n, since a n times means a raised to n।
हमारा RHS अगर हम देखें तो P के ऊपर स्क्वायर है, यानी स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड P स्क्वायर इज इक्वल्स टू A रेज टू N स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू A रेज टू 2N. दिस इज इक्वेशन 2. अगर हम इक्वेशन 1 और 2 देखें तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है. अगर दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए. देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 S by R raised to N is equals to P square. और यही हमें प्रूव करना था. That's proof. Next example है, if Sn, S2n, S3n are the sum of n, 2n, 3n terms of a GP respectively, then verify that Sn S3n minus S2n is equals to S2n minus Sn whole square. हमें ये expression prove करना है. तो start करते हैं. जो हमारे terms है उसमें हम assume करेंगे कि हमारा r greater than 1 है, तो उस according हम sum के लिए formula choose कर सकते हैं. तो let r is greater than 1, therefore हमारा Sn क्या आएगा, sum of n terms, A bracket r is to n minus 1 upon r minus 1. ये हमें sum of n terms मिला. S to n यानि sum of 2n terms क्या होगा, जहां जहां हमारा n है वो replace होगा 2n से. So A r is to 2n minus 1 अपॉन आर माइनस वन. वैसे ही हमारा एस थ्री एन क्या आएगा, ए आर एस टू थ्री एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. अब हमें प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, देखेंगे उसका हमें एक्सपांशन करके क्या मिलता है, और फिर हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, उसको एक्सपांड करके देखेंगे क्या मिलता है, फिर देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं. सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड में दो एक्सप्रेशन है, तो पहले हम सिर्फ ब्रैकेट कंसीडर करते हैं, एस थ्री एन माइनस एस टू एन, विच इज इक्वल्स टू हमारा एस थ्री एन क्या है, ए r is to 3n minus 1 upon r minus 1 minus s to n kya hai, a r is to 2n minus 1 upon r minus 1. अगर हम दोनों टर्म्स देखें तो दोनों में a कॉमन है, r minus 1, r minus 1 कॉमन है, तो a upon r minus 1. क्या बचा, r is to 3n माइनस वन माइनस आर इज टू टू एन माइनस माइनस बिकम प्लस वन, विच इज इक्वल्स टू ए बाय आर माइनस वन आर इज टू थ्री एन माइनस वन प्लस वन गेट्स कैंसल माइनस आर इज टू टू एन. ये हमें मिला एस थ्री एन माइनस एस टू एन, लेकिन इस ब्रैकेट के साथ Sn का मल्टीप्लीकेशन है, सो देयरफॉर Sn इंटू एस थ्री एन माइनस एस टू एन, विच इज इक्वल्स टू Sn क्या है हमारा, a r is to n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इंटू ये वाला टर्म a अपॉन r माइनस वन आर एस टू थ्री एन माइनस आर एस टू टू एन, विच इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, वी गेट ए स्क्वेर, आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन,
आर माइनस वन होल स्क्वायर। सो ब्रैकेट में क्या बचा, आर इज टू एन माइनस वन आर इज टू थ्री एन माइनस आर इज टू टू एन विच इज इक्वल्स टू, इसे हम एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ए बाय आर माइनस वन होल स्क्वायर। आर इज टू एन इंटू आर इज टू थ्री एन क्या मिलेगा, आर इज टू फोर एन माइनस आर इज टू एन इंटू आर इज टू टू एन आर इज टू थ्री एन माइनस वन इंटू आर इज टू थ्री एन माइनस आर इज टू थ्री एन माइनस माइनस प्लस वन इंटू आर इज टू टू एन आर इज टू टू एन विच इज इक्वल्स टू ए बाय आर माइनस वन होल स्क्वेयर आर इज टू फोर एन माइनस आर इज टू थ्री एन माइनस आर इज टू थ्री एन माइनस टू आर इज टू थ्री एन प्लस आर इज टू टू एन। और आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन वन। अब हम RHS कंसीडर करते हैं, तो RHS क्या है हमारा, RHS इज इक्वल्स टू एस टू एन माइनस एस एन होल स्क्वायर। तो पहले हम सिर्फ ब्रैकेट कंसीडर करेंगे, कंसीडर एस टू एन माइनस एस एन विच इज इक्वल्स टू एस टू एन क्या था हमारा, ए आर इज टू टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस ए आर इज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन विच इज इक्वल्स टू, दोनों में ए कॉमन है अपॉन आर माइनस वन कॉमन है, ब्रैकेट आर इज टू टू एन माइनस वन माइनस आर इज टू एन माइनस माइनस बिकम्स प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर माइनस वन आर इज टू टू एन माइनस आर इज टू एन। ओके, लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर है सो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड एस टू एन माइनस एस एन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दो प्रोडक्ट है हमारे पास तो दोनों के होल स्क्वायर होंगे, ए अपॉन आर माइनस वन होल स्क्वायर इंटू आर एस टू टू एन माइनस आर एस टू एन होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर माइनस वन होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर यानी आर इज टू टू एन का स्क्वायर माइनस टू आर इज टू टू एन इंटू आर इज टू एन प्लस आर इज टू एन का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a अपॉन आर माइनस वन होल स्क्वायर आर एस टू फोर एन माइनस टू आर एस टू टू एन इंटू आर एस टू एन आर एस टू थ्री एन प्लस आर एस टू टू एन दिस इज आई एक्सप्रेशन टू। अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू देखें तो दोनों के जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, अगर उसके राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसे ऑब्वियस है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए यानी एस एन इंटू एस थ्री एन माइनस एस टू एन इज इक्वल्स टू एस टू एन माइनस एस एन होल स्क्वायर हैंस प्रूफ।
तो क्लियर हुआ। अगर ऐसे प्रूव आपको करने बोले तो हमें कैसे करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना है, उसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड कंसीडर करना है, उसको सॉल्व करना है, दोनों के जो एक्सपांशंस है वो सेम आते हैं या नहीं वो चेक करना है। अगर वो सेम है तो दोनों इक्वल है। फाइंड समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to 10 3 into 2 raised to r, यानी हमें समेशन यानी सम एडिशन, r इक्वल्स टू 1 to 10, 1 to 10 यानी हमें 10 टर्म्स का एडिशन ढूंढना है। टर्म्स क्या है हमारे इस रेशियो में है, 3 into 2 raised to r के फॉर्म में है। सो a यानी हमारा फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू t1, तो t1 हमें क्या मिलेगा r के प्लेस पे 1, दैट इज 3 into 2 raised to 1 विच इज इक्वल्स टू 3 into 2, दैट इज 6। तो हमारा फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला, 6 मिला। जो हमारा n है वो कितना है, 10 है, क्योंकि हमें कितने टर्म्स फाइंड करने हैं, 10 टर्म्स, r इक्वल्स टू 1 to 10। नेक्स्ट हमारा r क्या है यानी हमारा कॉमन रेशियो क्या है, तो हम कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, यानी इस तरह से r इक्वल्स टू tn+1 upon tn करते हैं हम, विच इज इक्वल्स टू 3 into 2 raised to n+1 upon 3 into 2 raised to n। ऐसा करेंगे तो 3 3 gets cancel, base same है, power different है, तो क्या हो जाएगा 2n+1 minus n which is equals to 2 raised to +n minus n cancel, 2 raised to 1 which is equals to 2। तो हमें r की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग t2 divide by t1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेकेंड टर्म भी ढूंढ सकते हैं, 2 raised to 2 दैट इज 4, 3 into 4 12, तो 12 divide by 6 भी क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। तो इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि tn+1 by tn ही लेना है, हम t2 by t1 भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया हमें t2 क्या मिलेगा, 3 into 2 raised to r के प्लेस पे 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी 3 into 4 विच इज इक्वल्स टू 12। तो r के प्लेस पे अगर हम t2 by t1 करते तो हमें क्या मिलता, 12 by 6 दैट इज 2। अब r हमें क्या मिला, ग्रेटर देन 1, देयरफॉर Sn हमें n 10 टर्म्स फाइंड करना है, तो Sn इज इक्वल्स टू a r इज टू 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a इज नथिंग बट वॉट, 6 2 रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 6। 2 रेस टू 10 इज नथिंग बट 1024 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1 विच इज इक्वल्स टू 6 into 1023। सो 6 3s are 18, 1 कैरी, 12 plus 1 13, 1 कैरी, 600 plus 1 1 एंड 6 1s are 6। सो 6 1 3 इज द सम ऑफ n टर्म्स वेयर एक्सप्रेशन इज 3 into 2 raised to r। तो क्लियर, अगर इस टाइप के सम्स पूछे जाए तो किस तरह से उसे सॉल्व करना है। एक वर्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ हाउस एप्रिशिएट 5% पर ईयर, यानी वो इंक्रीज होते जाता है 5% से एवरी ईयर। हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 years इफ इट्स करंट वर्थ इज ₹15 lakh, उसकी करंट प्राइस है 15 lakh,
तो 6 ईयर्स के बाद उसकी प्राइस कितनी होगी अगर वो हर साल 5% से इंक्रीज हो रहा है? हमें आफ्टर 6 ईयर वो प्राइस कितनी होगी वो फाइंड करना है। गिवन है 1.05:5 इज 1.28 एंड 1.05:6 इज 1.34। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले गिवन क्या है? द करंट प्राइस फॉर द हाउस इज 15 लाख। और क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ हाउस एप्रिशिएट्स 5% पर ईयर। तो द वैल्यू ऑफ हाउस ये तो करंट प्राइस है। तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ हाउस विल बी, जो करंट प्राइस है उसका 5% इंक्रीज होगा, यानी इज इक्वल्स टू 15 लाख। तो हमारा करंट प्राइस है, उसमें 15 लाख का 5%, 15 लाख का 5% कैसे निकालेंगे हम? 15 × 5/100, ये हमारी प्राइस होगी आफ्टर 1 ईयर। दोनों में 15 कॉमन, 1 + 5/100 which is equals to 15, LCM लेंगे तो 100 × 100 + 5/100 which is equals to 15 × 105/100 which is equals to 15, 105/100 is 1.05। सो आफ्टर 1 ईयर जो हमारी प्राइस होगी हाउस की वो क्या होगी? 15 × 1.05 लाख। आफ्टर 2 ईयर्स, अब आफ्टर 2 ईयर्स हम देखते हैं कि क्या होगी। आफ्टर 2 ईयर्स द वैल्यू ऑफ हाउस विल बी, अगर हम देखें तो अब हमारी जो करंट प्राइस है वो ये है। इस करंट प्राइस में हमें 5% इंक्रीज करके ऐड करना है। तो 15 का जो हमारा 5% होता है वो 1.05 ही होता है। तो आफ्टर 2 ईयर्स हमारा जो वैल्यू होगा हाउस का वो होगा, जो हमारी करंट प्राइस है 15 × 1.05 × 1.05। देखिए हमारा फर्स्ट जब स्टार्टिंग था हमारा 15 लाख था। आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ? इस 15 लाख में इसका 5% यानी 15 × 1.05। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा करंट प्राइस ये है 15 × 1.05, उसमें 5% इंक्रीज हुआ यानी × 1.05। सो दिस इज नथिंग बट 15 × 1.05 का स्क्वायर। दिस इज वन पैटर्न, ये एक पैटर्न फॉलो करेगा। तो देयरफॉर आफ्टर 6 ईयर्स द वैल्यू ऑफ हाउस will be
15 इंटू 1.05 रेस टू 6, दैट इज नथिंग बट 15 इंटू, हमें वैल्यू दी गई है 1.05 रेस टू 6 की वैल्यू है 1.34। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20.1 लाख। नीचे सेंटेंस लिखिए और कंप्लीट कीजिए कि आफ्टर 6 इयर्स द वैल्यू ऑफ अ हाउस विल बी 20.1 लाख। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें अगर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं तो उसके साथ कैसे डील करना है।